एक अंधा पुलिस में भर्ती होने गया। ऑफिसर ने पूछा, तुम्हें किस लिए रखे? तो अंधे ने कहा, आप मुझे अंधाधुंध फायरिंग करने के लिए रख लें। एक खातून मौलाना साहब के पास गई और बोली कि हजरत, मैंने सुना है कि तकब्बुर बड़ा गुनाह है। मैं जब भी आईना देखती हूँ तो मुझे अपनी खूबसूरती पर बड़ा तकब्बुर आता है, मैं इस गुनाह से कैसे बचूं? मौलाना साहब बोले, मैडम, जिसे आप तकब्बुर समझ रही हैं वो असल में गलत फहमी है, और गलत फहमी कोई गुनाह नहीं। अगर लड़के ना होते तो लड़कियों ने अपना मुंह भी नहीं धोना था। लड़की लड़के से, तुम कितने बहन भाई हो? लड़का बोला, हम 25 बहन भाई हैं। लड़की, क्या तुम्हारे घर फैमिली प्लानिंग वाले नहीं आते? लड़का, आते हैं लेकिन स्कूल समझ कर वापस चले जाते हैं। एक साहब ने होटल मैनेजर से वेटर की शिकायत की कि आपके वेटर तो बहुत ही बदतमीज हैं, बार बार बुलाने पर भी नहीं आते। मैनेजर ने इस आदमी से माफी मांगी और वेटर को बुलाकर डांटने लगा, बेवकूफ नालायक, साहब कब से कुत्ते की तरह भौंक रहे हैं और तुम हो के सुनते ही नहीं। अगर तेरी सर्विस का यही हाल रहा तो कौन गधा दोबारा यहाँ आएगा। पापा जी कहते हैं कि वक्त से बड़ा कोई भी उस्ताद नहीं, पर 2020 तो हेडमास्टर निकला। थानेदार सरदार से, सरदार जी, बीवी तो आपकी पड़ोसी की गायब हुई है और रिपोर्ट लिखवाने आप आए हो, क्यों, क्या चक्कर है आपका इसके साथ? सरदार बोला, जनाब, चक्कर वक्कर कोई नहीं है, असल में बात यह है कि मुझे पड़ोसी की खुशी देखी नहीं जा रही थी, 3 दिन हो गए हैं कमीना रोज पार्टी में पार्टी दिए जा रहा है। वीडियो देखने का शुक्रिया, लाइक कीजिए हमारा पेज NTV उर्दू, और वीडियो पसंद आए तो जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू।